एजुकेशन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपके समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो इस पे मुझे कमेंट करें, यस के रूप में कमेंट करें तो मैं आगे बढ़ सकूँ। मुझे आवाज सुनाई दे रही है? ऑडिबल? हाँ, तो मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को शुभ प्रातः करते हुए शिक्षा के क्षेत्र का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे मैं नया तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब लोगों के समक्ष इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षक प्रशिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि, ये एक शब्द है और ये प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह शिक्षक हो या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला नहीं हो, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए और अपने आप को, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, अब उसमें स्थापित करने के लिए और सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए और सुखद ढंग से अपने आप को समायोजित करने के लिए उसके पास सांवेगिक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। और ये जो सांवेगिक बुद्धि है क्या, उसको हम समझने का आज हम प्रयास करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सांवेगिक बुद्धि किस तरह से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मित्रों, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, संवेग और बुद्धि। अब संवेग शब्द क्या है और बुद्धि शब्द क्या है, उन दोनों शब्दों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, संवेग ई प्लस मोशन है ना, ई प्लस मोशन यानी कि अंदर के भावों को बाहर की ओर प्रकट करना। और दुनिया में जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसके पास भाव तो हैं ही। एक छोटे बच्चे के पास भी भाव होते हैं, चाहे उसके पास भाषा नहीं है लेकिन उसके पास भाव होंगे और अपने माता पिता के चेहरे के हाव भावों को सुनकर वह उन भावों को समझ लेता है और अपने संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 2 वर्ष की आयु में उसके पास सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं। अब ये जो संवेग उसके पास सभी प्रकार के आ जाते हैं, वह संवेग क्या भूमिका निभाते हैं, उसकी बात हम करते हैं। और मैकडूगल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, वो तो कहते हैं कि हमारी जो इनर इंस्टिंक्ट्स हैं, उन इनर इंस्टिंक्ट्स के साथ ही संवेगों का बनना शुरू हो जाता है। प्रत्येक 14 प्रकार की इनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं और हर इनर इंस्टिंक्ट के साथ एक संवेग का सम्मेलन होता है। अब रही बात बुद्धि की, बुद्धि भी जन्मजात है ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और लेकिन उसका विकास वातावरण के साथ होता है। अब ये बुद्धि क्या है, उसको हमें समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है। आप देखेंगे कि बुद्धि के अंतर्गत ये माना गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट मनुष्य के सामने आता है, ऑब्जेक्ट चाहे मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, वो जो ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रकट होता है, वह ऑब्जेक्ट किस रूप में उसको वो अपने भीतर लेता है, उसके साथ कोई अनुक्रिया करता है, और जो ज्ञान यानी कि उसके बारे में जो भी विचार मंथन चिंतन उसके मस्तिष्क में हो रहा है, वो सब किस रूप में वो प्रकट होता है, और वो जो प्रोसेसिंग उसके माइंड में चलती है, उस प्रोसेसिंग को स्टैनबर्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं बुद्धि है। चलिए साहब, बुद्धि को हमने अलग से समझा, संवेग को हमने अलग से समझा। अब सांवेगिक बुद्धि को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर सबसे पहले 2 अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आए, सेलोभी और मेयर। और सेलोभी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि नामक एक शब्द
दुनिया के सामने सबसे पहले प्रकट किया। और उस सांवेगिक बुद्धि में उन्होंने यहां यह बात समझाने की कोशिश की कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो जीवन यापन करता है और उस जीवन यापन में जो कुछ भी वो दुनिया के साथ अनुक्रिया करता है, लोगों के साथ अनुक्रिया करता है, उनको समझता है, समझने की कोशिश करता है और जो व्यवहार करता है वही सांवेगिक बुद्धि है। उसको थोड़ा और ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। आपने थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई थी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब थॉर्नडाइक की जो ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, बुद्धि के प्रकार जो वो बता रहे हैं, उसमें वो जो सामाजिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, उस सामाजिक बुद्धि में यहाँ पर वो ये कहते हैं कि लोगों के साथ उचित व्यवहार करने की जो उनकी कला है, समझने की जो कला है, वह किस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट करना और दुनिया के लिए स्वीकार्य हो जाना, और चाहे किसी भी प्रकृति का, सोच का, समझ का व्यक्ति सामने उनके सामने आया, लेकिन वह अपने आप को उसके सम्मुख उस तरह से प्रकट कर लेता है कि वह उनके लिए स्वीकार्य हो जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो सामाजिक बुद्धि की बात बताई थी, थॉर्नडाइक के ही उसी कंसेप्ट को सेलोभी और मेयर ने एक नए तरीके से दुनिया के सामने प्रकट किया और उसे सांवेगिक बुद्धि का नाम दिया। आपने गोलमैन नाम के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को भी सुना होगा। उनका तो शोध ये कहता है कि किसी भी मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए, दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए 80% सांवेगिक बुद्धि का योगदान है और मात्र 20% जो योगदान है वो उसका अपना बुद्धि लब्धि का है, यानी कि कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप शिक्षण व्यवसाय में हैं, चाहे आप मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, जहां जहां भी मानव के साथ व्यवहार करने की बात आती है वहां पर मनुष्य के पास सांवेगिक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। चाहे आप व्यापारी हैं, कई बार हम किसी दुकान पर जाते हैं और कोई वस्तु लेने जाते हैं और व्यापारी हमसे जो व्यवहार करता है उस व्यवहार के आधार पर हम उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं और कई बार हम कहते हैं कि इसकी दुकान पर कभी वापस नहीं जाऊंगा, और कई बार कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है, चलिए बड़ी अच्छी तरीके से उसने समझाया और ये वस्तु मेरे काम की आई। तो वो क्या कला है उसके पास? वो कला है सांवेगिक बुद्धि। तो गोलमैन कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए 80% सांवेगिक बुद्धि का योगदान होता है। अब ये सांवेगिक बुद्धि किस तरह से भूमिका निभाती है उसको समझने की आवश्यकता है। क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं यह भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो गोलमैन कहते हैं कि सांवेगिक बुद्धि के अंदर दो मुख्य पक्ष हैं और दो मुख्य पक्ष के अंदर एक में तीन तत्व हैं और दूसरे में दो तत्व हैं। पहला प्रमुख पक्ष है वो वैयक्तिक तत्व, वैयक्तिक यानी कि खुद से संबंध, पर्सनल कंपोनेंट। पर्सनल कंपोनेंट के तीन पक्ष हैं। नंबर वन, अपने संवेगों से अवगत होना, अपने संवेगों से अवगत होना, यानी कि वह व्यक्ति जो एक मानव के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया है और उसको जन्म से ही संवेगों
के बारे में जानकारी है और उसने सभी प्रकार के संवेग प्राप्त कर लिए हैं, उस मनुष्य को अपनी स्वयं की प्रकृति का भान है, ज्ञान है, और वह जानता है कि वह किस परिस्थिति में किस प्रकार के संवेग प्रकट करता है। तो यहां पर वह स्वयं के संवेगों को समझे, उनकी मनोदशा को वो जाने, वो जो मनोदशा है उस मनोदशा के बारे में वह चिंतन करने की क्षमता रखता हो, उस चिंतन से वो अवगत हो और उन भावों के अनुरूप वो अपने आप को मॉनिटर कर सके। ये जो जानकारी कोई मनुष्य, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, वो अगर ये जानकारी रखता है, मैं क्या हूँ, मैं दुनिया के सामने कैसे प्रकट होता हूँ, मैं किसी परिस्थिति में कैसे अपने संवेगों को प्रकट करता हूँ, दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ, ये जानकारी उस मनुष्य को स्वयं को होना आवश्यक है। इसे कहा गया है अपने संवेगों से अवगत होना। अब दूसरा, अपने संवेगों को प्रबंधित करना। अपने संवेगों को प्रबंधित करने से मतलब है मैनेजिंग वंस आवर इमोशंस। किस समय कौन सा संवेग किस तरीके से प्रकट करना है, कौन सा संवेग मुझे दबाए रखना है, कौन सा संवेग मुझे प्रकट करना है, यह प्रबंधन उस मनुष्य के पास होना चाहिए। और यह प्रबंधन जो मनुष्य कर सका, जैसे कभी बार क्रोध आ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, जिसको मूड्स कहते हैं, मनोदशा की स्थिति होती है, वो सब मनुष्य के जीवन में उसकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अब जो मनुष्य इन सब का प्रबंधन उचित ढंग से कर सकता है, आप कक्षा कक्ष में हैं, बालक ने किसी प्रकार की किसी परिस्थिति में किसी बिंदु पर कोई प्रतिक्रिया कर दी, लेकिन और उस प्रतिक्रिया में उसने अपनी नादानी प्रकट कर ली और आपको क्रोध आ गया, लेकिन उस समय वो क्रोध प्रकट करना क्या उचित है, यह निर्णय उस व्यक्ति का स्वयं उसी समय हो जाना आवश्यक है। और ये निर्णय जब मनुष्य स्वयं कर लेता है तो यहां पर आप ये कहेंगे कि वह अपने संवेगों को प्रबंधित कर पा रहा है। अब अपने संवेगों को प्रबंधित कर पा रहा है तो फिर संवेगों से अवगत भी हो रहा है, अपने संवेगों को प्रबंधित भी कर पा रहा है। देखिए दोनों पक्ष किससे संबंधित हैं, उस व्यक्ति के स्वयं से संबंधित है। कौन व्यक्ति? अगर मैं बात करता हूं तो मैं अध्यापक हूं, मैं टीचर एजुकेटर हूं, मुझसे संबंधित है। कक्षा का एक अध्यापक बात करता है तो उस अध्यापक से संबंधित है। एक व्यापारी, एक सेल्समैन बात करता है तो सेल्समैन से संबंधित है। एक डॉक्टर बात करता है तो उस डॉक्टर से संबंधित है। दो तत्व। और तीसरा तत्व है, वो महत्वपूर्ण तत्व, आत्म अभिप्रेरण, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरण से तात्पर्य ऐसे संवेगिक आत्मनियंत्रण से है, ऐसे संवेगिक आत्म नियंत्रण से है जो व्यक्ति को उत्तम लक्ष्यों की ओर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील करता है। आगे से आगे बढ़ना, क्या मेरा टारगेट है, क्या मुझे प्राप्त करना है। कक्षा में मैं आया हूं, जैसे मैं कक्षा कक्ष का उदाहरण लूं तो उसका अंतिम लक्ष्य है कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आज की विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर ये मेरा अंतिम लक्ष्य है तो मेरे अंदर से, भीतर से वो प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। तो मुझे छोटी मोटे जो व्यवधान हैं, जो अवरोध हैं, कक्षा कक्ष की परिस्थितियां हैं, वो मुझे किसी प्रकार से यहाँ पर मुझे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए।
मुझे वहाँ वो ऑब्स्टेकल के रूप में नहीं आनी चाहिए, मुझे उसको कैसे छोड़ना है, लिमिट करना है, ये कला मुझ में होनी चाहिए। क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य तो क्या था कि आज मेरी ये विषय वस्तु मेरे विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, वह उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। तो दूसरे छोटे मोटे व्यवधान जो मेरे संवेगों को प्रभावित करके, मेरे संवेगों में असंतुलन पैदा करके, मेरे अंतिम लक्ष्य को पाने में कहीं अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से उन सब को कैसे छोड़ना है, ये कला आनी चाहिए। और ये कला मैं तब तक पास नहीं पा सकूँगा जब तक मैं आत्म अभिप्रेरित ना होऊंगा। इसलिए वह मनुष्य इन तीन महत्वपूर्ण कौशल से युक्त होना चाहिए, जिसको सेलोबी मायर ने वैयक्तिक तत्व के रूप में कहा था। पहला, अपने संवेगों से अवगत होना, नंबर वन। दूसरा, अपने संवेगों को प्रबंधित करना। तीसरा, और आत्म अभिप्रेरण। आत्म अभिप्रेरण से तात्पर्य यहां पर वह किस तरह से अपने आप को भीतर से प्रेरित करता चला आ रहा है। ये तीनों कला उसके पास हैं, यानी कि ये मनुष्य भीतर से यह समझने की कोशिश कर रहा है, यह जानने की कोशिश कर रहा है, या यह समझ पा रहा है कि हाँ, मैं संवेगों से, अपने संवेगों से परिचित हूँ, अपने संवेगों को प्रबंधित करने की कला भी जान रहा हूँ, और मैं भीतर से आत्म प्रेरित भी हूँ, अभिप्रेरित भी। तो दोस्तों, ये तीन बातें उसके पास आ गई हैं, तो निश्चित रूप से इसके पास एक पक्ष पर्सनल कंपोनेंट का उसके पास है। अब सेलोबी मेयर कहते हैं दूसरा तत्व इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स। इंटरपर्सनल कंपोनेंट से तात्पर्य पर से, दूसरे से मुझे अपना व्यवहार किसके सम्मुख प्रकट करना है, कैसे प्रकट करना है, किनको प्रकट करना है, क्या वो कक्षा कक्ष के विद्यार्थी हैं, या सभागार में मेरी आयु वर्ग के लोग हैं, या सभागार में मुझसे आयु से बड़े लोग हैं, क्या वैयक्तिक भिन्नताओं से युक्त लोग हैं, क्या वहाँ विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं से बने हुए लोग हैं, कौन हैं, किस तरह की प्रकृति के लोग हैं, क्या मुझे ये जानना आवश्यक नहीं है, क्या मुझे ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यदि अगर इन लोगों को जानकर, इन लोगों की प्रकृति को जानकर, इनके भीतर के भावों को जानकर अगर अपनी बात अगर प्रकट नहीं कर सका, तो मेरी बात को सुनेगा कौन, मेरी बात को समझेगा कौन, मेरी बात को जानेगा कौन। और अगर मैं जिनके लिए अपनी बात कह रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उनके भीतर तक प्रवेश नहीं हो सकी, तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और मेरा कहना न कहना सब बेकार चला गया। इसलिए यह उस व्यापारी की भांति हुआ कि एक घंटा मैंने इस ग्राहक के साथ बिताया, लेकिन ग्राहक मेरी वस्तु लेकर नहीं गया, तो फिर गलती किसकी, ग्राहक की या उस व्यापारी की? उस व्यापारी को अंदर से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि शायद मैं अपने ग्राहक के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम रहा, इसलिए वो नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए और वह वस्तु नहीं ले पाए। उसी भांति मुझे एक वक्ता के रूप में, कक्षा कक्ष में एक अध्यापक के रूप में मेरे बालक की आवश्यकता को जानने की जरूरत है। इसलिए सेलोबी मेयर कहते हैं जो दूसरा तत्व है, जिसको अंतर्वैयक्तिक तत्व हमने कहा है, उसमें दूसरे तत्व के दो भाग हैं। पहला है परानुभूति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी, कि मैंने दूसरों के भावों को समझा, वो दूसरा कैसे अभिप्रेरित होता है उसको समझा, और दूसरों के संवेगों को समझने की मैंने कला जानी, ये परानुभूति है ना। और व्यक्ति जो भी है अपने संवेगों में, है ना, उस सामने वाला जो मेरी बात सुन रहा है उसमें वो सूझ है या नहीं है, ये भी तो समझने की आवश्यकता है, लेकिन वो सूझ उत्पन्न कराना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए वह दूसरों के संवेगों को समझकर अपने संवेगों को प्रकट करेगा।
ये परानुभूति कहलाती है। ये इंटरपर्सनल कंपोनेंट सलोबी मेयर यहां बताती है। अब इस इंटरपर्सनल कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट जो बताया गया है वो है संबंधों को संचालित करना। संबंधों को संचालित करने से मतलब है दूसरों के साथ उत्तम संबंध बनाए रखना एवं उसे उचित ढंग से संचालित करके रखना। क्या मतलब हुआ? आप जितनी देर उसके साथ बैठे हैं, जितनी देर उसके साथ चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी परिस्थिति आपके सामने है, जैसी भी परिस्थिति आपके सामने है, निरंतर वो आपके साथ अंतरतः अंतर मन से जुड़ाव महसूस करता हुआ आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, ये जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति उसके भीतर बन रही है, इसका मतलब आपने संबंधों को संचालित करने की कला जानते। आपकी कक्षा का एक बालक अगर ये कहे कि उन गुरुजी की कक्षा में मैं बैठता हूं और मुझे पता ही नहीं लगता कि कब उनका व्याख्यान आरंभ हुआ और कब घंटी बज गई, मुझे लगता है घंटों उनकी बात को मैं सुनता रहूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर उसके भीतर के संवेगों को पाने की कोशिश की है और उसमें हम सफल हो गए हैं, हम संबंधों को संचालित करने की कला प्राप्त कर चुके हैं। अगर कक्षा का एक बालक ये कहता है कि पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, अगर ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं संबंधों को संचालित करने की कला को नहीं जान पाए। इसलिए सेलोबी मेयर कहते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंटरपर्सनल कंपोनेंट यानी कि परानुभूति, दूसरों के संवेगों को समझना, और दूसरा संबंधों को संचालित करना। इस प्रकार ये पांच तत्व, और आप देखिए कि मोर और लेस इन पांचों तत्वों को अलग 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 रूप से समझाने की कोशिश की है, जिसको बहुत पहले थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि के रूप में समझाने की कोशिश की थी। अब आप ये समझने की कोशिश करें, अगर आप अध्यापक हैं तो कक्षा कक्ष को अपनी स्मृति में लाएं, अपने जहन में लाएं, और आप देखें कि किस समय आपको सफलता कक्षा में महसूस हो रही थी, और आप ये भी देखें कि किस समय आपको कक्षा में सफलता आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ आज कक्षा में मजा नहीं आया, आज कक्षा में मेरे विद्यार्थी समझ पाए, आज मेरे समझ नहीं पाए, तो आप देखें कि इन पांच तत्वों में से कौन से तत्वों की कमी रहेगी। जिस दिन लगता है आपका चेहरा उदास है, निराशा है, आज मुझे मजा नहीं आया पढ़ाने में, तो आप समझ लीजिए कि इन पांच बिंदुओं में से कहीं ना कहीं कोई एक तत्व आपका छूट रहा है। अब सेलोबी मेयर ने जो ये पांचों तत्व सांवेगिक बुद्धि के भीतर बनाए हैं, उसी के आधार पर हम किसी बालक की सांवेगिक बुद्धि को नाप सकते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि को मापन करते हैं, उसी प्रकार आजकल सांवेगिक बुद्धि के मापन के भी बहुत प्रकार के टूल्स अवेलेबल हैं, और उन उपकरणों के माध्यम से हम सांवेगिक बुद्धि को भी मापन कर सकते हैं। लेकिन उस सांवेगिक बुद्धि के मापन की हम बात करें, उससे पहले हमें कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांवेगिक बुद्धि की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ अनुसंधान किए हैं, उन अनुसंधान के को ध्यान में रखते हुए एक 16 अगस्त 2002 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक शोध किया था, राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य शिविर आयोजित की थी, और उसमें भी उन्होंने सांवेगिक बुद्धि के संदर्भ में बहुत प्रकार के कुछ पक्ष हैं उनकी बात की थी और चर्चा की थी, और उन्होंने यहाँ पर उस शिविर में और उन वर्कशॉप और सेमिनार में यह निर्णय पर पहुँचे थे कि जो सेलोबी और मेयर ने, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप ये जो बातें कही हैं, यद्यपि ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ दृष्टि से सही प्रतीत होती हैं, लेकिन फिर भी अगर इस सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना है तो निश्चित रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह
निम्न रूप से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम इसको समझते हैं तो इसको हम तीन कंपोनेंट के रूप में समझ सकते हैं। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं बीमाएं है ना, थ्री कंपोनेंट्स, तीन बीमाओं के रूप में उन्होंने समझाने की कोशिश यहां पर की है। उन तीन बीमाओं में से सबसे पहला, पहली बीमा है, बीमा है इमोशनल कॉम्पिटेंसी, सांवेगिक सामर्थ्यता। दूसरा सांवेगिक परिपक्वता और तीसरा सांवेगिक संवेदनशीलता। हम समझने की कोशिश करते हैं ये तीनों एस्पेक्ट क्या हैं और क्या इन तीनों एस्पेक्ट में हम उन पांचों जो तत्व हैं जो सेलोबी और मेयर ने बताए हैं, क्या उन पांचों तत्वों को हम समाविष्ट कर पाए हैं या ना। तो पहला जो तत्व सांवेगिक सामर्थ्यता, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, क्या मतलब है इमोशनल कॉम्पिटेंसी से? विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न उद्दीपकों के प्रति उचित ढंग से सांवेगिक अनुक्रिया करने की क्षमता। कोई भी परिस्थिति आ सकती है, वातावरण में कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत हो सकता है, उस उद्दीपक में जो भी परिस्थिति बने उस परिस्थिति के अनुरूप आपको वहां पर कैसे प्रकट करना है, उस प्रकटीकरण की परिस्थिति। अगर आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है तो क्या आप आत्मनियंत्रण कर पा रहे हैं? क्या वहां पर आपको थोड़ी आशावादिता दिखानी है तो क्या आप आशावादिता दिखा पा रहे हैं? अगर आप तनाव की स्थिति में हैं तो क्या आप उस तनाव को छुपा पा रहे हैं? अगर कुंठा संघर्ष की स्थिति अगर बन रही है तो क्या उनको भी आप संतुलित कर पा रहे हैं? ये सब अगर आप कर पाते हैं, अगर ये क्षमता आपने अर्जित कर ली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप ये ना माने कि आयु के साथ आप इन सब क्षमताओं को अर्जित करेंगी, आप जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय के अनुरूप आपके पास यह कला आनी चाहिए। यदि व्यवसाय, गोलमैन कहते हैं, यदि व्यवसाय में आपको सफलता अर्जित करनी है तो उम्र का इससे कोई संबंध नहीं है, संबंध है व्यवसाय की प्रकृति से, संबंध है संवेगों को समझने की कला से। तो यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पहला जो बनता है वो सांवेगिक सामर्थ्यता की बात करता है। सांवेगिक सामर्थ्यता का तात्पर्य हमने अभी समझा। दूसरा यहां पर है सांवेगिक परिपक्वता। सांवेगिक परिपक्वता से तात्पर्य मैच्योरिटी शब्द आ रहा है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखना, दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखना। तात्कालिक परिस्थितियां जो भी हैं उन तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप अगर आपका मन कहता है कि यहां मुझे तुरंत अभी क्रोध कर लेना चाहिए, लेकिन परिस्थिति कहती है क्रोध करना उचित नहीं, आपका दिमाग कहता है यहां लक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, भीतर की अभिप्रेरणा कहती है कि मुझे अपनी अपनी वो अर्जुन की आंख की तरह वो आंख दिखाई देनी चाहिए जहां मुझे वो लक्ष्य को भेदना है, तो मुझे वो भीतर से जो नकारात्मक परिस्थिति बन रही है उस नकारात्मक परिस्थिति को कैसे दूर करते हुए संतुलन स्थापित करना है, आसान नहीं है। लेकिन जो ये प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य इसको अर्जित कर लेता है, आप समझ लीजिए वही तो हम कहते हैं कि फला अध्यापक दूर दूर से उनको सुनने आते हैं, फला डॉक्टर दूर दूर से उनको जो मरीज हैं उनके पास इलाज कराने आते हैं। वो क्या कला है? वो कला है दिल और दिमाग के बीच संतुलन करने की कला, यानी कि सांवेगिक परिपक्वता। तो सांवेगिक परिपक्वता अगर
यहां पर उसके पास है तो यह दूसरा तत्व, दूसरी विमा, पहली विमा सांवेगिक सामर्थ्यता, दूसरी विमा सांवेगिक परिपक्वता और तीसरी विमा सांवेगिक संवेदनशीलता, इमोशनल सेंसिटिविटी। इमोशनल सेंसिटिविटी के से मतलब है दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखना, दूसरों के मन में अच्छे भाव उत्पन्न होने की स्थिति ले आना। कक्षा में एक बालक है, इंट्रोवर्ट नेचर का है, कोई विषय वस्तु उसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो आपसे प्रश्न पूछने में हिचकिचा रहा है, आपसे प्रश्न पूछने में हिचकिचा रहा है, तो आप उसके चेहरे के भावों को समझकर धीरे से उसके पास चले जाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, सांत्वना की एक परिस्थिति पैदा करते हैं और उसके भीतर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप आप कोई प्रतिक्रिया प्रकट कर लेते हैं। इसका मतलब आपने उसके भावों को समझा, उसके भावों के अनुरूप आप भीतर प्रविष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उसको अपना बना लिया। थोड़ी देर बाद कक्षा से बाहर निकल के कहता है बालक, पता नहीं गुरुजी के पास क्या कला है, मैं जो सोच रहा था गुरुजी समझ गए, मैं पूछ नहीं पाया, हिम्मत कर नहीं पाया, लेकिन गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, कितने अच्छे हैं गुरुजी। ये जो प्रतिक्रिया बालक की है वो प्रतिक्रिया क्या बताती है, क्या दर्शाती है? ये प्रतिक्रिया बालक की ये दर्शाती है कि हमने जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था उसके भीतर के भावों को समझा, उसके भीतर मैं प्रविष्ट किया और प्रविष्ट करके मैंने यहाँ पर उसके अंदर की भावनाओं को समझकर अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, यानी कि मेरे में सांवेगिक संवेदनशीलता भी है। इस प्रकार भारतीय परिस्थितियों में जो सेलोबी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि की जो कंसेप्ट जो प्रस्तुतिकरण दुनिया के सामने प्रकट किया था, उसी सांवेगिक बुद्धि को भारतीय दृष्टिकोण से तीन आयामों में समझाने की कोशिश की गई है, प्रकट करने की कोशिश की गई है, जिसमें पहला आयाम है सांवेगिक सामर्थ्यता, दूसरा है सांवेगिक परिपक्वता, तीसरा है सांवेगिक संवेदनशीलता। ये तीन आयाम अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक अध्यापक के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, चाहे मैं किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हूँ, मैंने जहाँ जहाँ मानव व्यवहार करने की बात आ रही है वहाँ पर मैंने सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग किया है। उसको ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय दृष्टिकोण से ये तीन आयाम हमारे सम्मुख उत्पन्न किए। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से अगर सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा को हम समझते हैं तो वो परिभाषा इस प्रकार बनती है, तात्कालिक वातावरण तथा आंतरिक आत्मन से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के सांवेगिक उद्दीपकों के प्रति उचित ढंग से एवं सफलतापूर्वक अनुक्रिया करने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। वापस समझें, तात्कालिक वातावरण तथा आंतरिक आत्मन, आंतरिक आत्मन यानी कि भीतर से, और जहां मैं प्रकट कर रहा हूं उस समय की सिचुएशन, उस समय की जो परिस्थितियां, वो वातावरण कैसा है, वो तात्कालिक वातावरण और वो आंतरिक आत्मन से जो भी सांवेगिक उद्दीपक बन रहे हैं उन सांवेगिक उद्दीपकों के प्रति मैं उचित ढंग से और सफलतापूर्वक अनुक्रिया करने की क्षमता अगर मैं अर्जित कर लेता हूं तो वही सांवेगिक बुद्धि है। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि जो सामाजिक बुद्धि के रूप में कभी किसी समय थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि के रूप में समझाने की कोशिश की थी, यही सामाजिक बुद्धि यहाँ पर सेलोबी मेयर ने सांवेगिक बुद्धि के रूप में दुनिया के सामने नए प्रकटीकरण के रूप में रखा और उसी को गोलमैन ने इतनी ज़्यादा महत्ता दे दी और गोलमैन ने कहा कि हमें सफलता अर्जित करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि लब्धि मात्र
20% भूमिका निभाती है और संवेगिक बुद्धि 80% भूमिका निभाती है। इसलिए हमें संवेगिक बुद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसे हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन में EQ कहा गया है और EQ को नापने के लिए भी बहुत प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इमोशनल क्वेश्चन, है ना, जैसे बुद्धि लब्धि का मापन के लिए उपकरण बनाए हैं, वैसे ही सांवेगिक बुद्धि के मापन के लिए भी मापनियाँ आजकल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध होती हैं। और उसमें मानव व्यवहार से संबंधित, उसमें जो 5 तत्व सेलोबी मेयर ने बताए हैं उनसे संबंधित, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय दृष्टिकोण से जो 3 विमाएं बताई हैं उन विमाओं से संबंधित कुछ कथन को रखते हुए कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है, और उन प्रश्नों के आधार पर वह जो उत्तर देता है बालक, उन उत्तर के आधार पर उसकी सांवेगिक बुद्धि को जानने की कोशिश की है। जैसे भारत में एक उपकरण बना था, प्रोफेसर एन.के. चड्ढा और दलीप सिंह ने एक उपकरण बनाया था सांवेगिक बुद्धि परीक्षण। उसमें उन्होंने 15 एकांश रखे थे और 15 एकांश में से प्रत्येक एकांश में सही उत्तर के लिए 20 अंक और अनुपयुक्त उत्तर के लिए 0 अंक, बाकी अन्य 2 उत्तरों में से कम उपयुक्त उत्तर को 15 और सबसे कम उपयुक्त उत्तर को 5। इस प्रकार उन्होंने 20, 15, 5 और 0 4 कैटेगरी में बांटते हुए उन्होंने उसको नापने की कोशिश की, और एकांश जो है, जो कथन है, उन कथनों के आधार पर बालक ने जो उत्तर दिए, उन उत्तरों के आधार पर उसकी सांवेगिक बुद्धि का जो स्कोर आया है उस स्कोर को समझाने की कोशिश की। अब ये जो सांवेगिक बुद्धि के स्कोर मिलते हैं उसके आधार पर हम बालक कहें, चाहे वो मनुष्य कहें, चाहे वो अध्यापक कहें या कोई भी व्यक्ति कहें, वह किस रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट करता है, उस परिस्थिति को परखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमने कथनों का निर्माण किया, और उन कथनों में वो जैसे उत्तर दे रहा है, जैसी उसकी भीतर की भावना है, जैसे अंदर उसके भीतर का व्यवहार है, उस भीतर के व्यवहार और भावना के अनुरूप उसने अपने आप को प्रकट किया, और वो जो प्रकट किया है उसके आधार पर यहाँ पर हमने उसको, उसकी सांवेगिक बुद्धि को नापा, और जो स्कोर आया उसके आधार पर अत्यधिक सांवेगिक बुद्धि, अच्छी सांवेगिक बुद्धि, सामान्य सांवेगिक बुद्धि, और औसत से कम और बिल्कुल निम्न सांवेगिक बुद्धि, इस तरह से कैटेगरी में उसको बांटने की कोशिश की। मनोवैज्ञानिक यहाँ पर कहते हैं, अगर इस पूरे अनुसंधान को हम देखें तो कुछ कारक हैं जो सांवेगिक बुद्धि को बनने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला कारक है आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है परानुभूति, एम्पैथी, दूसरों को समझना, तीसरा है आत्म अभिप्रेरक, कैसे अपने आप को भीतर से वो अभिप्रेरित कर रहा है, चौथा है सांवेगिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिर संबंधों की प्रबंधन क्षमता, कैसे संवेग, अपने भीतर के संवेग, बाहर की परिस्थितियाँ, उन संवेगों को कैसे मैनेज कर रहा है, कौन सा संवेग कब प्रकट करना चाहिए, किसके सामने और किस रूप में प्रकट करना चाहिए, वह मैनेज वो कर रहा है, यानी कि प्रबंधन की कला उसके पास है, संपूर्णता, इंटीग्रिटी, आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट, मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन, वचनबद्धता, यानी कि कमिटमेंट, जो जिस रूप में उसने कहा है, अपने आप को प्रकट किया है, जो प्रस्तुत करने के लिए उसने वह एश्योरेंस दी है, उस एश्योरेंस पे वो कितना खरा उतरता है, और परोपकारी व्यवहार, यानी कि जिसके सामने वो व्यवहार प्रकट कर रहा है उसकी मनोदशा को, उसके भावों को, उसकी आंतरिक आवश्यकताओं को वह कैसे समझता है, और समझ कर वो किस रूप में अपने व्यवहार को प्रकट करता है, ये सारा पक्ष ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने ये 10 कारक भी अनुसंधान के द्वारा
यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास किया है। और ये जो कारक यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनको भी अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर स्वयं भी हम किसी सांवेगिक बुद्धि के परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए, जिस समय काल परिस्थिति के अनुरूप, यानी कि जो न्यादर्श है हमारा, हमारी ज्योग्राफिकल एरिया, जिसे सेलोवी और मेयर का ज्योग्राफिकल एरिया अमेरिकन सोसाइटी हो सकती है, लेकिन हमारा ज्योग्राफिकल एरिया दूसरा है। अगर मैं यहाँ राजस्थान में रहकर मैं किसी विद्यार्थी की सांवेगिक बुद्धि को जानने की कोशिश करता हूँ तो मैंने घंटों उस विद्यार्थी को देखा है, कक्षा कक्ष में उसके साथ व्यवहार किया है। अगर मैं दिल्ली में बैठकर बात करता हूँ तो उसकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति अलग है। अगर मैं बनारस में बैठ के बात करता हूँ तो उसकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति अलग है। वो किस वातावरण से आया है, किस परिवेश से आया है, वो भी मुझे जहन में रखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं एक अनुसंधानकर्ता के रूप में सांवेगिक बुद्धि के परीक्षण का निर्माण करता हूँ तो मोटे मोटे अभी जो मैंने पक्ष लिए हैं उन पक्षों को तो मैं काम में ले सकता हूँ, लेकिन उन पक्षों के भीतर जिन एकांशों का मैं निर्माण करूँगा उन एकांशों को निश्चित रूप से मुझे मेरा जो न्यादर्श है उसके अनुरूप निर्माण करने की आवश्यकता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो शोध हुए हैं उन शोधों के माध्यम से संवेगिक बुद्धि के साथ साथ एक नया शब्द हमें और मिला है, वो है इमोशनल परसेप्शन, संवेगात्मक प्रत्यक्षण। संवेगात्मक प्रत्यक्षण अर्थात दूसरों के संवेगों को सही सही समझने की क्षमता। तो मैं दूसरों के संवेगों को किस तरह से सही ढंग से समझ पाता हूँ वो मुझे देखने की आवश्यकता है। और अगर मैंने ये देखने की कला प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं संवेगों को समझ पाया हूँ, उसके संवेगों को समझ पाया हूँ और उसके संवेगों के आधार पर मैं अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत कर पाया हूँ। इसलिए अगर आज के समय में मुझे अगर जीवन यापन करना है तो निश्चित रूप से मुझे संतुलित रूप से जीवन यापन करना है। जिस व्यवसाय में हूँ उस व्यवसाय के लोगों को मुझे यहाँ पर उचित ढंग से प्रकट करना, उचित ढंग से अपने संबंधों को संचालित करना है तो मुझे संवेगात्मक प्रत्यक्षण की कला भी आनी चाहिए। और ये संवेगात्मक प्रत्यक्षण की कला अगर मैंने प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से मैं उसके आधार पर उसके साथ व्यवहार कर पाऊंगा और व्यवहार ऐसा कर पाऊंगा जो उसको स्वीकार्य होगा, जो वह भीतर में जो अंदर से जो मेरे से अपेक्षा कर रहा है कि हाँ मेरे गुरुजी मुझे इस तरह से कहने चाहिए थे, मेरे गुरुजी मेरे भीतर की आवाज़ को समझ जाने चाहिए थे, मैं तो नादान हूँ, मैं तो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन वो तो मुझे जान लेते। ये जो भीतर से उसके अंदर की भावना बन रही है उस भावना को अगर मैं यहाँ पर समझ कर व्यवहार कर लेता हूँ तो मैंने संवेगात्मक प्रत्यक्षण प्राप्त कर लिया है, संवेगात्मक प्रत्यक्षण की शक्ति मैंने अर्जित कर ली है। और संवेगात्मक प्रत्यक्षण की जो शक्ति अर्जित की है उसके अनुरूप मैंने उसके साथ व्यवहार भी कर लिया है। और वो जो व्यवहार मैंने कर लिया है और वो व्यवहार अगर उसको स्वीकार्य हो गया है, इसका मतलब मैं जिस समुदाय, जिस परिवेश, जहाँ पर भी मैं हूँ, जिसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वह अगर खुश होकर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो कार्य है, जिस उद्देश्य को लिए हुए मैंने इस कार्य को आरम्भ किया था, वो कार्य यहाँ पर निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ है। यह ध्यान में रखते हुए यह कला अगर मनुष्य के भीतर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये उसने सांवेगिक बुद्धि को अर्जित कर लिया है। इसलिए गोलमैन कहते हैं कि सांवेगिक बुद्धि मनुष्य के पास वह क्षमता है, वह कौशल है जिससे चाहे वो किसी भी व्यवसाय में है वह अपने व्यवसाय में 100% सफलता अर्जित कर सकता है। बुद्धि लब्धि का तो होना आवश्यक है ही, बुद्धि तो मनुष्य को जन्म से मिली है। और स्टेनबर्ग कहते हैं कि बुद्धि में तो प्रोसेसिंग की कला है, वातावरण के साथ जो उद्दीपक मिले हैं उन उद्दीपकों के अनुरूप वह अपने सूचनाओं को प्राप्त करता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने की कला तो ईश्वर प्रदत्त उसको मिली है, वातावरण के साथ अपनी इस बुद्धि में निखार लाया है, लेकिन उसके साथ ये जो सामाजिक पक्ष की कला है,
जो संवेगों की कला है, संवेगों को समझने की कला है, उसको प्रबंधन करने की कला है, उचित संवेगों का, अपने संवेगों का प्रबंधन, दूसरों को संवेगों को समझना और उसके साथ उसका संतुलन स्थापित करना, ये उस सूचनाओं की प्रोसेसिंग के साथ जोड़ देता है, तो कल्पना कीजिए वह अपने इस व्यवसाय में कितनी ऊंचाइयों को पहुंचेगा, कितनी सफलताएं अर्जित करेगा। विषय का ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन विषय के ज्ञान को आपके ऑडियंस के अनुरूप उसके मन में प्रविष्ट होते हुए, भीतर जाते हुए उसको समझाने की कला आपके पास है, इसका मतलब आपने सांवेगिक बुद्धि के उन लक्षणों को धीरे धीरे प्राप्त करना कोशिश कर लिया है, उस पथ पर आप चल पड़े हैं। और निश्चित रूप से आपने अगर सांवेगिक बुद्धि को अर्जित कर लिया है और आपके पास बुद्धि लब्धि भी है, विषय का ज्ञान भी है, तो निश्चित रूप से उस व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं, हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, ये कुछ जो आवश्यक बिंदु इस नए विषय तो नहीं कहूँ, लेकिन हर व्यवसाय के व्यक्ति को यह जानना आवश्यक था, उस नाते मैंने उसको यहाँ पर कुछ प्रस्तुतिकरण किया है, समझाने की कोशिश की है, चर्चा की है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस चर्चा से कुछ लाभान्वित हुए होंगे और आप जिस भी व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय में इसका उपयोग कर सकेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ यदि किसी की कोई जिज्ञासा है मेरी इस चर्चा में, मेरी इस वार्ता में, अगर आप कोई प्रश्न भी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे चैट के माध्यम से या मेरे मेल के माध्यम से भी मुझे प्रश्न कर सकते हैं, akjain@vmou.ac.in। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी प्रश्न डाल सकते हैं, और आगे भी हम शिक्षा जगत के लोग हैं और इसी तरह से जुड़े रहेंगे और इस मानव जाति का हम कुछ मदद कर सकेंगे, उनको लाभ पहुंचा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम सब संपर्क में आए हैं, इस चर्चा के बहाने ही हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इस COVID-19 के पैंडेमिक परिस्थिति में कुछ मानव जाति को हम लाभ प्रदान कर सकेंगे, इसी अपेक्षा के साथ आज की चर्चा मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की थी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। सबको नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। आपका कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आमंत्रित है। सोमू जी, मेरी आवाज आ रही है? विपिन, शैलेश, योगिता व्यास, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवांगी तिवारी, आपने लिखा है नेक्स्ट लेक्चर, निश्चित रूप से हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष और एक नए विषय, नए बिंदु को लेकर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। और एक अध्यापक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम नए नए विषयों को लेकर हम चर्चा करें। निश्चित रूप से नेक्स्ट लेक्चर कब होगा उस समय वो भी हम इस फेसबुक पेज पे उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर पूनम जोशी, ज्योति शुक्ला, धीरज सोनी, ईशी गिरधर, आप सब लोगों ने मुझे सुना, राधिका जी, शिवांगी तिवारी,
योगिता व्यास, संचिता बसु, विपिन, शैलेश, धीरज, अगर मैं किसी का नाम न ले पाऊँ तो निश्चित रूप से विनोद सुथार, आप लोगों ने धैर्य से मेरी बात को सुना और आपको अच्छा लगा, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि मैं एक अध्यापक के रूप में एक विषय पर आपके साथ कुछ चर्चा परिचर्चा कर सका और शिक्षा जगत के लिए कुछ अपना योगदान दे सका, इसी उद्देश्य के साथ मैं उपस्थित हुआ था और मुझे लगता है कि कुछ अंश में इसका अर्जित कर सका हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबैक के माध्यम से। और निश्चित रूप से आप में से जो कुछ साथी कह रहे हैं कि हम फिर कौन सा एक लेक्चर रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी मैं इशी गिरधर कह रहे हैं सर इमोशनल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। इशी जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए स्व को समझने की बहुत आवश्यकता है। स्व का मतलब मैं खुद, सेलोबी मेयर ने बताया था ना दो प्रकार के मेजर बड़े बड़े तत्व हैं, पहला तत्व है स्व और दूसरा है पर, और स्व में स्वयं के संवेग को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना इमोशनल डेवलपमेंट को इनक्रीज करना है तो पहले आत्मचिंतन करें, देखें किसी समय एकांत में अपने कक्ष में थोड़ी देर के लिए जहाँ कोई बाहर का व्यवधान नहीं है, और चिंतन करें और मनन करें और देखें कि मैं दूसरों के सामने जब प्रकट होता हूँ तो कैसे कैसे व्यवहार प्रकट करता हूँ, और फिर उस पूरी परिस्थिति को अपने चिंतन में लाएं और उस पूरी परिस्थिति को चिंतन में ला के देखें कि क्या मैंने उस समय जो संवेग प्रकट किया था क्या वो संवेग उचित था, और अगर मेरा भीतर का मन कहता है कि यह संवेग उचित नहीं था इसका मतलब मुझे वहाँ उस समय कैसे आत्मनियंत्रण करना चाहिए था, क्या मैंने उस समय मेरे पास जो संवेग थे उन संवेगों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया, उचित ढंग से नियंत्रित किया। तो जब मैं अपने कुछ पिछली परिस्थितियों को चिंतन की परिस्थिति में लाऊंगा और चिंतन की परिस्थिति में लाकर फिर अपने सारे इमोशंस की लिस्टिंग करूंगा और कौन से पॉजिटिव आस्पेक्ट थे और कौन से नेगेटिव आस्पेक्ट थे और उन नेगेटिव आस्पेक्ट को मैं किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर ये मैं कर देता हूँ तो मैं अपने संवेगों को समझने की कला भी प्राप्त कर लिया हूँ, और अगर मैं समझों को कला प्राप्त कर लिया हूँ तो उसको प्रबंधित करने की भी कला प्राप्त कर लिया हूँ, और ये कर लिया हूँ तो आत्मविप्रेरणा अगर मैंने प्राप्त कर लिया है। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, समय लग सकता है लेकिन लक्ष्य के पथ पर यदि हमारा जो ध्येय है वो ध्येय अगर वहाँ पर बिल्कुल ऊर्जावान है और सकारात्मकता लिए हुए है तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य को प्राप्ति होगी तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने संवेगों पर विजय प्राप्त करने की कला प्राप्त कर ली है। इसलिए जब जब भी आप अपने संवेगों पर विजय प्राप्त करने की कला प्राप्त कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, तो आप दूसरों के संवेगों को भी समझने की कला प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आत्मचिंतन करते हुए धीरे धीरे आप अपने सांवेगिक विकास कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है इसी गिरधर को मैं कुछ संतुष्ट कर पाया होऊंगा, अपना उत्तर दे पाया होऊंगा। अनामिका जी कह रही हैं कि सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए सेलोबी मेयर ने अपनी जो बात कही थी उन्होंने सामाजिक बुद्धि को ही लेकर अपनी बात कही थी, तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है सोशल इंटेलिजेंस का। सोशल इंटेलिजेंस में हम केवल व्यवहारों को प्रबंधित करने की बात कर रहे हैं, जो थॉर्नडाइक कहते थे। थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि वहाँ पर हमने कहीं समाज में एकत्रित हुए हैं, लोग मिल रहे हैं, वहाँ मैंने उनके साथ व्यवहार किया, वो कैसा मुझसे व्यवहार कर रहा है, वो मुझे किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है, मैंने उन व्यवहारों को प्रकट कर लिया, वो अच्छा खुश होकर चला गया। तो मैंने सामाजिक व्यवहारों तक उसको यहाँ पर सीमित रखा था, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यद्यपि है सामाजिक व्यवहार क्योंकि संपूर्ण परिवेश एक समाज है, कक्षा कक्ष भी एक समाज है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस व्यवसाय में हूँ उस व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसके भी कुछ कौशल होते हैं, उन कौशलों को ध्यान में रखते हुए भी
मैं अपने आप को अंदर से आत्म प्रेरित कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, और मैं उस कौशलों के अनुरूप कैसे व्यवहार मेरे सामने बैठा व्यक्ति है उसको चाहिए, उसके अनुरूप भी अपने इमोशंस को मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सोशल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत ही आवश्यक है। ये मुझे लगता है अनामिका जी आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो पाई होंगी। ये अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो थोड़ा सा जो फर्क है उसको भी शायद इसको समझ लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। धीरज सोनी आप कह रहे हैं हर लेक्चर में आपके साथ रहेंगे, आपका आभारी हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर पे इस तरह के अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति, एक अध्यापक की तो पूंजी है, अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी लगती है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। मैं आपको पुनः धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। राधिका जी कह रही हैं मतलब आपने आधार के दर से कैसे दर किया जाए जो सबके सामने कहना में लगता है, अपनी बात को कैसे सबके सामने रखा जाए, मतलब अपने अंदर के डर को कैसे दूर किया जाए। हाँ, अपने अंदर के डर को कैसे दूर किया जाए, ये एक कह सकते हैं कि भीतर से एक आत्मविश्वास, तीसरा जो तत्व था सेलोबी मेयर का, आत्म अभिप्रेरण का। आप ध्यान दीजिए, आत्म अभिप्रेरण का वो पक्ष अभी कमजोर है, इसलिए वो अंदर का डर दूर नहीं हो पा रहा। अगर आपके अंदर आत्म अभिप्रेरण का पक्ष अगर आप मजबूत कर देंगे तो ये डर दूर हो जाएगा और आप अपने आप को प्रकट कर पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति किस आयु वर्ग का है, किस प्रकृति का है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, हमें ये केवल मानना है कि सामने वाला मानव है और मैं भी मानव हूं, और मैं अपनी बात इस लक्ष्य को लेकर आया हूं खुले दिमाग से, खुले मन से, तो मेरी बात को अगला व्यक्ति स्वीकार करेगा, यह मैं आशावादिता के साथ मैं प्रकट करता हूं। तो मैं अपने अपने भीतर आत्म अभिप्रेरण के एक पक्ष को अभी मैं प्राप्त कर पाया हूं। इस तरह से आत्म अभिप्रेरण को अगर आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने डर को दूर कर पाएंगे और अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट कर पाएंगे। डॉक्टर पूनम जोशी धन्यवाद, आपने लिखा है कि कक्षा बीएड की एक जो क्लास है, एमएड बीएड एमएड की क्लास को पुनः याद दिला दिया। मैं भी एक टीचर एजुकेटर हूं और इस खुले विश्वविद्यालय में आने से पूर्व कई वर्षों तक मैंने रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में भी बीएड और एमएड की क्लासेस में विद्यार्थियों से, प्रोस्पेक्टिव टीचर से रूबरू हुआ हूँ, और हम सब अध्यापकों को तो काम है कि हम इसी तरह से विद्यार्थियों को अपनी बात पहुँचा सकें। इसी गिरधर ने एक बार पुनः अपनी बात को यहाँ पर प्रकट किया है, इमोशंस को रखने की प्रकट की है। अनामिका जी, राधिका शाह, आप सभी लोग जिन्होंने भी मेरी इस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं और मेरी बात को, प्रोफेसर आर सिंह बहुत ही व्यस्त होते हुए भी यहाँ पर इस मेरी वार्ता में सम्मिलित हुए हैं, आरंभ में मेरा मनोबल बढ़ाया है और अपने शब्दों के माध्यम से मुझे प्रेरित किया है, मैं उनका भी धन्यवाद अर्जित करना चाहता हूँ। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, डॉक्टर सौम्य सिंह जो बीएचयू में एजुकेशन के बहुत अच्छे सुलझे हुए और बड़े ज्ञानवान और ऊर्जावान अध्यापक हैं, जिनकी वजह से इस फेसबुक पेज पे हम आज दुनिया के सामने अपनी बात को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हो सके हैं। सोमो जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं लोगों के साथ अपनी बात को कुछ रख सका। इसी के साथ एक बार सबको धन्यवाद, आपने मेरी बात को धैर्य से सुना, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।
हेलो। हाँ, हमने एंड कर दिया है। हाँ, 1 घंटे। अच्छा, हाँ चलो, अच्छा, थैंक यू। हाँ, अच्छा, हमारा चेहरा दिखाई दे रहा था क्या? हाँ, मुझे मुझे लगा मेरी स्क्रीन पे मेरा फेस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ फिर, लेकिन बीच में मैंने कुछ कोशिश नहीं की, मैं चलता गया। अच्छा, और लास्ट में मैंने कुछ फीडबैक आए थे, उनको उत्तर भी देने की कोशिश की है इसमें। हाँ, है ना। हाँ, चलिए चलिए, अच्छा है, चलो, आपका आपका प्रयास। ओके ओके, थैंक यू। मैं अब इसको एंड कर देता हूँ ना, एंड लाइव वीडियो में एंड लिखूँ तो वो ये जो इसमें दो चीज़ आ रहे हैं, इफ़ यू एंड दिस लाइव वीडियो नाउ यू विल बी एबल टू चूज इफ यू वॉन्ट टू सेव और डिलीट इट। हाँ, तो ये लिखा है, इफ़ यू एंड दिस लाइव वीडियो नाउ यू विल बी एबल टू चूज इफ यू वॉन्ट टू सेव और डिलीट इट, और फिर नीचे दो